आज हम पढ़ेंगे डिलीशन ऑफ एन अरे। किसी भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग अरे में अगर हमें डिलीट करना हो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक अरे है ए और उसका साइज है 5। अब ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसमें हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करके रखी है। सपोज वैल्यूज आर 2, 3, 67, 83 and 1। सपोज दीज आर द 5 वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5 इज देयर। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू में हमें कोई, ये एग्जिस्टिंग अरे है, सपोज दैट हमें इस 67 को डिलीट करना है। ये 67 की पोजीशन क्या है और इंडेक्स ऑफ द इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? क्या आपका फर्स्ट एलिमेंट अगर हम इसे असाइन करें विद द मेमोरी एलोकेशन, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2, 3, 67, 83 and 1। 5 एलिमेंट्स आर देयर और इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इज अगेन लाइक ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4, बिकॉज 5 एलिमेंट्स आर देयर। तो अपर बाउंड वैल्यू इज 4 एंड लोअर बाउंड वैल्यू इज 0। नाउ सपोज हमें डिलीट करनी है वैल्यूज इन द एट द पोजीशन ऑफ 2। ठीक, क्वेश्चन ये, तो अब आपने क्या करना है, जब आप डिलीट करोगे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, इट मींस ये जो इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट है ये फ्री हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्लैंक एलिमेंट्स आए हमारे, जो ये तो वैल्यू मेरी ब्लैंक हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है, उस नेक्स्ट एलिमेंट को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इस ब्लैंक वैल्यू पे, और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट को हमें नेक्स्ट एलिमेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, और हमारी जो लास्ट ब्लॉक होगा, मतलब ए फोर या यू कैन से दैट इज ए ऑफ एन माइनस वन, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और इस फ्री मेमोरी को हम क्या करेंगे, डीएलोकेट कर देंगे। तो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल वैल्यू क्या आ गई कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे क्या करना है, ए ऑफ 2 मीन 62 को मुझे डिलीट करना है। अगर वैल्यू को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, जो मेरी फर्स्ट टू वैल्यूज है वो तो सेम है, 0 और 1 वैल्यू, 2 और 3 सेम। अब इस वैल्यू को जब मैंने डिलीट किया तो मेरे पास जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू थी मीन्स थर्ड वैल्यू, इस ये आपके ए ऑफ 2 पोजीशन पे आ गई, और जो फोर्थ वैल्यू थी वो इस पोजीशन पे आ गई। अब इसको समझने की बात है कि ये जो 4 वैल्यू है वो क्या है मेरी, एक्चुअली में अगर मैं इस ए 5 को एन एलिमेंट बोलूं तो मेरे पास ये वैल्यू क्या है, एन माइनस 1 है, ये वैल्यू क्या है, एन माइनस 2 है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हम शिफ्ट कर रहे हैं, मींस जब ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरी रिमूव हो जाएगी तो हमारी जो लास्ट एलिमेंट है ये 83 इधर आ जाएगा और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 1 इधर आ जाएगी, और जो आपका लास्ट एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड यू आर सेइंग एन माइनस 1, वो वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो डिलीशन ऑफ अरे का बेसिक फंडामेंटल क्या है, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे मींस रिमूविंग अ डेटा एलिमेंट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अरे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अरे में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जब वो पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसे हमें डिलीट करना है। ये हमारा बेसिकली क्या आ रहा है, डिलीशन ऑफ एन अरे। अब अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले हम डिलीशन ऑफ एन अरे के लिए, तो हमारे पास इसके लिए एल्गोरिथम क्या बनेगी, सबसे पहले हम क्या करें, इनिशियलाइजेशन करें सेट आई इक्वल टू पोजीशन। आई इक्वल टू पोजीशन यू कैन से दैट इज द इंडेक्स, जो भी मेरी वैल्यू है ये मेरा इंडेक्स हो गया। फिर हम क्या करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1, और हियर एन इज व्हाट, एन का मतलब यहां हो गया साइज ऑफ अरे, जो भी आपका मैक्सिमम साइज है अरे का। अब सेट ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 1, एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स एलिमेंट से। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट करके एग्जिट कर जा रहे हैं लूप से, और फिर लास्ट में जो मेरा एन है, जो मेरी मेमोरी एलोकेट हो रही थी लास्ट में, उस वैल्यू को हम क्या कर दे रहे हैं, फ्री। मतलब मेरा जो लास्ट ए ऑफ 4 पोजीशन था ये मेरा क्या है, साइज ऑफ अरे।
तो मेरी ए ऑफ फोर पोजीशन हमारी ब्लैंक हो जाएगी, हम उसे फ्री कर देंगे और एग्जिट कर जाएंगे। दिस इज सिंपल एल्गोरिदम फॉर द डिलीशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं डिलीशन के लिए। सपोज दैट कि मेरे पास क्या है, हमें एक पर्टिकुलर अरे गिवन है, गिवन एन अरे इज देयर। ये पर्टिकुलर अरे है मेरा और इस पर्टिकुलर सपोज इंटीजर ऑफ ए ऑफ 5 इज देयर और इस अरे की वैल्यू सपोज है 73, 67, 83, 43 and 70 सपोज दीज आर द यूजर डिफाइंड वैल्यूज। और हमें क्या करना है, ए ऑफ 2 पोजीशन वैल्यू को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा कोड लिखेंगे। वो सिंपल कोड क्या है, अगर हमें क्या करा, फॉर लूप चलाया, आई इक्वल्स टू इंडेक्स किया। अभी हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, केवल हम लॉजिक देख रहे हैं कि कैसे पर्टिकुलर एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। ये इंडेक्स क्या हो गया मेरा, ए ऑफ 2, मीन्स हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट से हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, दैट इज योर पोजीशन। नेक्स्ट क्या करा, आई इज लेस देन साइज ऑफ -1, मीन्स साइज ऑफ अरे -1 तक हम सर्च करेंगे, दैट इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन। और फिर हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यूज को। जब ये वैल्यू हो गई तो अब हम अरे की पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ आई प्लस 1 में इंसर्ट कर दोगे। और जब ये लूप, ये तो जब ये पर्टिकुलर लूप आपका क्या कर रहा है, ट्रू हो रही है वैल्यू, तो आप ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस 1 कर रहे हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे, साइज की वैल्यू को क्या कर दोगे, डिक्रीमेंट कर दोगे। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम एक एग्जांपल, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं कि ये कोड कैसे रन करेगा। आपने अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन को आप वैल्यूज को देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए ऑफ 5 वैल्यूज थे। ए ऑफ 5 में फर्स्ट वैल्यू 73 है, फिर 67 है, फिर नेक्स्ट आपकी 83 वैल्यू है, नेक्स्ट 43 है और नेक्स्ट आपकी 70 वैल्यू। अब इस 5 एलिमेंट्स में आपने क्या लिखा, ए ऑफ 0 इज देयर, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 वैल्यू है आपकी, फिर नेक्स्ट ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4 वैल्यू है। दीज आर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द अरे। अब हमें कहा ए ऑफ 2 पोजीशन को रिमूव करना है, ये वाली वैल्यू को हमें रिमूव करना है। इसके लिए अगर हम एक टेबल क्रिएट करें इस फॉर लूप को समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये मेरे पास अगर एक पोजीशन आ रही है, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, आई ऑफ दिस। अब आई के लिए ये वैल्यू मैंने कंसीडर करी, दैट इज आई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आई इज देयर, नेक्स्ट आई इज व्हाट, लेस देन साइज -1। तो आपको क्या करना है, आई इज लेस देन साइज -1, दैट इज एक्चुअली साइज ऑफ अरे, ये आपका साइज ऑफ अरे है। अब साइज ऑफ अरे में हम -1 कर रहे हैं, इस समय साइज ऑफ अरे मेरी वैल्यू क्या है, 5। तो यहां साइज -1 का मतलब हुआ आई इज लेस देन 5 -1, दैट इज आई इज लेस देन 4। अब नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, ए ऑफ आई, अगर ये वैल्यू ट्रू हो रही है तो आपको क्या करना है, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1 कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। अब फर्स्ट वैल्यू मेरी आई इक्वल टू इंडेक्स है, इंडेक्स इज एक्चुअली द पोजीशन विच यू वॉन्ट टू रिमूव, जो भी एलिमेंट आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है उसे रिमूव करना है। तो आई वैल्यू को अगर हम इंडेक्स में करें, हमें ए ऑफ 2 पोजीशन को रिमूव करना था, हमने 2 लिखा। अब चेकआउट करो, 2 इज लेस देन 4, दैट इज ट्रू वैल्यू, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो हमारा लूप कहाँ चला जाएगा, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 1, ए ऑफ 2 वैल्यू इक्वल्स टू ए ऑफ 3 वैल्यू। ठीक है, और इसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू 2 थी, तो अब आपके पास ये आई प्लस प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने क्या करा, आपके पास जो a ऑफ 2 वैल्यू थी,
ए ऑफ टू वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट इज 83, जिसे मुझे रिमूव करना था, और ए ऑफ थ्री वैल्यू थी 43। इस बार मैंने क्या करा, जब मेरा लूप स्टार्ट हुआ तो हमने कहा जो ए ऑफ टू वैल्यू है उसमें मुझे ए ऑफ थ्री वैल्यू इंसर्ट करनी है। ए ऑफ थ्री वैल्यू इज 43, तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट फॉर लूप से ही मेरे पास ए ऑफ टू वैल्यू डिलीट हो गई और हमारे पास क्या आ गया, ए ऑफ टू की वैल्यू 43 असाइन हो गई। ठीक है ना, तो मेरे पास अब जो अरे आया उसमें ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन तो एज इट इज रहा, लेकिन ए ऑफ टू की वैल्यू अगर मैं अरे पोजीशन अप करूं तो मेरे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो मेरे पास इस पर्टिकुलर फॉर लूप के फर्स्ट स्टेप से, पहली वैल्यू तो मेरे पास 73 ही रही, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 61 रही, और अब ए ऑफ टू की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 43 हो गई। मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर लूप हमारा वैल्यू डिलीट हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब फिर से हम उसी पोजीशन पे आते हैं, अभी हम एग्जिट तो नहीं करें लूप से, तो अब मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, हमने 3 लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 इज लेस देन 4, दैट इज ट्रू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑफ 3 इक्वल्स टू ए ऑफ 4, और इस वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 4, तो मेरे पास क्या आ गया वैल्यू, ए ऑफ 3 की वैल्यू को अब हम क्या कर देंगे, ए ऑफ 4 से इंसर्ट करा देंगे। मेरे पास ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी, 43 थी, ठीक है ना, और ए ऑफ 4 की वैल्यू थी 70, तो अब ए ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 70 असाइन कर दी हमने, और मेरे पास इस लूप में ये वैल्यू क्या आ गई, 70। नेक्स्ट लूप स्टार्ट करा मैंने, अब मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, 4 है, और 4 इज लेस देन 4, फॉल्स हो गई ये वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जिट द लूप, यहां से हम एग्जिट कर जाएंगे, और एग्जिट जैसे ही करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मेरा साइज n था तो n माइनस 1, अगर मेरा साइज 5 इस पर्टिकुलर अरे का है तो मेरा 5 माइनस 1 अरे का साइज हो जाएगा। मींस एग्जिट लूप करने का मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में है आप अरे का साइज क्या कर देंगे, साइज माइनस 1, इट मींस व्हाट, n माइनस 1, और यू कैन से 5 माइनस 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि आपका जो अरे का जो हम मैक्सिमम साइज ले रहे थे 73, 67, और ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई, फ्री हो गई, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, अब हमने अरे का साइज क्या कर दिया, साइज माइनस 1 कर दिया, मतलब 4 कर दिया, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 वैल्यू हो गई और मेरी ए ऑफ 2 पोजीशन ब्लैंक हो गई। अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट अ नंबर, डिलीट अ नंबर फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन एन अरे, कोई एक अरे की लोकेशन दे दी है और उसमें मुझे डिलीट करना है, तो ये दोनों चीजें यूजर डिफाइंड है, एक नंबर भी और उसको इनिशियलाइज करना भी और उसकी गिवन लोकेशन, ये सारी कुछ हम क्या कर रहे हैं, यूजर से डिफाइन करवा रहे हैं। तो अब आपने क्या करा, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच करा आपने, नेक्स्ट क्या कर दिया, इंटीजर ऑफ मेन ले रहे हैं आप, और उसके बाद आपने पोजीशन ले ली इंटीजर ऑफ आई एन एंड पोजीशन, जिस भी वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हैं, सपोज 10 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो अब आपने क्या कर दिया, प्रिंट एफ में आपने क्या करा, इंटर द साइज ऑफ अरे, जैसे हम इनिशियलाइज करते थे, इंटर द साइज ऑफ द अरे हो गया। नेक्स्ट क्या करा, स्कैन एफ किया आपने, मॉड्यूल डी एम्पसन एन करा, इस बार आपने साइज ऑफ द अरे को क्या इनिशियलाइज कर दिया है, एन से, फिर इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, अब हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे प्रोग्राम में, तो अरे में इंटर द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, ये वैल्यू आपकी, फिर नेक्स्ट क्या करा आपने, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस किया। नेक्स्ट क्या कर दिया, स्कैनिंग कराई, स्कैनिंग में आपने क्या करा, मॉड्यूल डी एम्परसेंड ऑफ ए ऑफ आई करो,
नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसमें आपने इंटर द पोजीशन किया, इंटर द पोजीशन फ्रॉम विच द नंबर हैज टू बी व्हाट रिमूव्ड, जिस भी वैल्यू को मुझे रिमूव्ड करना है, तो और स्कैनफ में उसकी पोजीशन कर दी, ये वैल्यू मेरे पास पोजीशन पे आ गई। फिर हम अब लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक में मेरे पास क्या हो गई वैल्यू, फॉर आई इक्वल्स टू पोजीशन आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, फिर ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस वन हो जाएगा और एन माइनस माइनस कर देंगे, तो आपका जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट आएगी, अरे आफ्टर डिलीशन इज व्हाट प्रिंट ऑफ द अरे आफ्टर डिलीशन, डिलीशन के बाद जो वैल्यू आ रही है उसके लिए भी हमें एक लूप लगाना होगा, आई इक्वल्स टू जीरो से लेस देन एन आई प्लस प्लस करा हमने और प्रिंट ऑफ में उस पर्टिकुलर वैल्यू को सर्ट करा लिया, ए ऑफ मॉड्यूल डी इक्वल्स टू मॉड्यूल डी आई ऑफ ए ऑफ व्हाट आई, इस वैल्यू को इंसर्ट कराकर अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न जीरो। थैंक यू।